हेलो माय डियर स्टूडेंट्स लेट मी वेलकम यू टू द नेक्स्ट दैट इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर इलेवंथ स्टैंडर्ड एन सी लेसन दैट इज ग्रेविटेशन आज जो आपने 9 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं वो सही है नहीं है क्या अप्रोच था उसके बारे में बात करेंगे लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज प्रपोर्शनल टू Gravitational potential is equal to minus gm upon r, that is minus g density into volume upon r, minus g density into 4 by 3 pi r cube upon r, that is minus g rho 4 pi r square upon 3. It is proportional to rho and potential is proportional to r square gravitational potential is directly proportional to density and is directly proportional to the square of the radius it is d fourth option it is d fourth option question number 2 two point masses 100 kg and 25 kg are situated at two points 2 meter apart is 100 hai. हंड्रेड के जी ये ट्वेंटी फाइव के जी है इनमें का डिस्टेंस है टू मीटर ओके देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिड वे मिड वे यानि यहाँ पे ये पॉइंट को नाम दिया गया क्या उन्होंने लेट मी गिव द देश एंड बी आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिड वे एट पॉइंट पी दिस इज वन मीटर एंड दिस इज ऑल्सो वन मीटर वी इज इक्वल टू माइनस जी एम ए अपॉन आर ए पोटेंशियल एट 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 ए ए ए पोटेंशियल पोटेंशियल पॉइंट पॉइंट पी बिकॉज़ ऑफ एंड बी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ बी इज़ माइनस जी इंटू एम इन बी अपन आर बी दट इज इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू उन्होंने बोली है क्या या कौन से फॉर्मेट में चाहिए उनको ओके okay, कोई फॉर्मेट नहीं माइनस six point six seven into ten raised to minus eleven upon one into bracket hundred plus twenty five that is minus one twenty five into six point six seven into six point six seven the answer is eight twenty five into minus eight twenty five into ten raised to minus eleven. माइनस एट ट्वेंटी फाइव इन टू टेन रेस टू माइनस इलेवन आंसर देखिएगा कौन सा सही है द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज डी फोर्थ ऑप्शन डी आंसर फोर्थ ऑप्शन चलिए रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन का वर्क डन टू रिमूव अ बॉडी ऑफ मास टू के जी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ

तो दूसरा कितना है कहां से लेके जाना है बॉडी को रेडियस आर टू इंफिनिटी सो दिस विल बी वर्क डन विल बी जी एम एम अपॉन आर उन्होंने कैपिटल जी के टर्म्स में नहीं दिया है यहाँ पे आर और जी दिया है सो वी नो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर सो जी एम के जगह जी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन एम अपॉन आर द आंसर इज एम जी आर द वर्क डन विल बी एम जी आर ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के फॉर्मूले से निकाला है मैंने उन्होंने वैल्यू दी so, है टेन और सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सो मास टू के जी ओके सो टू इंटू टेन इंटू सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू टेन रेस टू दार थ्री टेन रेस टू थ्री क्यों आया किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया आंसर आता है वन पॉइंट टू एट इंटू टेन रेज टू दन पॉइंट टू एट इंटू टेन रेज टू दूल वन पॉइंट टू एट इन टू टेन रेज जो है बी सेकंड ऑप्शन जो है बी सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इन मूविंग मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर हमने पढ़ा है ग्रेविटी इज कंजरवेटिव फोर्स द वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन देर फॉर द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम टू अनादर डिपेंड्स ऑन द एंड ओनली कौन सा ऑप्शन है इट इज ए फर्स्ट ऑप्शन डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट ओनली दैट इज द इनिशियल and the final point because it is independent of the path followed if g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth the gain in potential energy of an object of mass m raised from the earth's surface to height equal to the radius of the earth okay. potential energy on the surface of the earth will be minus gmm upon r, potential energy at the second point, which is at a height which is equal to radius of the earth, is minus gmm upon r plus h, that is minus gmm upon r plus r, that is minus gmm upon 2r. So, what are they asking us to find out? They are asking us to find out the change in the potential energy. Delta potential energy is potential energy 2 minus potential energy 1 that is minus gmm upon 2r minus minus gmm upon r. This is gmm upon r into bracket minus half plus 1. दैट इज जी एम एम अपॉन टू आर लेकिन उन्होंने ऑप्शन में ये नहीं दिया है सो आर एट जी एम के जगह यहाँ से जैसे लिखा जी आर स्क्वेर इंटू एम अपॉन टू आर दैट इज एम जी आर अपॉन टू एम जी आर अपॉन टू द करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव का सही जवाब है बी सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए देखते हैं सिक्स सेवन एट नाइन इसमें एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आगे के टॉपिक का है इसलिए हम उसको फिलहाल नहीं सॉल्व करेंगे उसको बाद में एक लेक्चर के वक्त जब वो टॉपिक आएगा तो लेते हैं सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ नहीं सिक्स क्वेश्चन वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो सिंपल है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सिक्स पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी हंड्रेड के जी ओके आर स्मॉल आर लिखो हाइट है कुछ दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच दैट इज माइनस व्हाट इज जी

7000 kilometers that is 7 into 10 raised to the power 6 7 into 10 raised to the power 6 and the answer which we get the answer which we get is -5.7 into 10 raised to 9 -5.7 into 10 raised to 9 joule -5.7 into 10 raised to 9 joule the answer is c third option क्वेश्चन नंबर सेवन यहां पे टोटल एनर्जी पूछी है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर सेवन में इन प्रॉब्लम जो ऊपर है द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज टोटल एनर्जी ढूंढने के लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे ढूंढते ये हमने पढ़ा नहीं है तो फिलहाल इस क्वेश्चन को बाईपास कर देते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं

और डिस्टेंस दिया है दिस इज माइनस फोर इंटू टेन रेज टू नाइन इस दिस इज माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन इन मास ऑफ द अर्थ ओके इसको एम लिखते हैं इसको कैपिटल जी रहने दो तो नहीं तो फिर देखते हैं बाद में अगर जरूरत है तो करेंगे जी एम इन टू इज द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द बॉडी 10 raised to the power 2 upon what is small r at a distance of 10 raised to 7 meters so this is going to be 10 raised to the power 7 meter minus minus gets cancelled 4 into 10 raised to 16 16 and 14 is equal to g into m so ye g into m ki value again. unhone kya pucha hai then the weight in newton at 10 raised to 9 meter so weight Will be minus G M M upon R square. That is four plus rather yeah, four into ten raised to fourteen into ten raised to the power two upon R. How much is R? Ten raised to nine. So ten raised to nine ka ho jayega ten raised to eighteen. The answer is four into ten raised to minus two newton. The answer is. फोर इंटू टेन रेस टू माइनस टू न्यूटन यस दैट डी फोर्थ ऑप्शन डी फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन थोड़े आगे का टॉपिक का है इसलिए फिलहाल स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर नाइन का रुख करते हैं आज का आखिरी सवाल है वो बॉडी ऑफ राइजेस टू हाइट इज़ इक्वल टू आर बाय फाइव इज़ इक्वल टू आर बाय फाइव इफ जी इज़ द एक्सेलरेशन ग्रेविटी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस जैसे यहां किया है माइनस जी एम एम अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी एट दाइट इज जी एम एम अपॉन आर प्लस एच that is minus g m m upon r plus r by 5 that is minus 5 by 6 into g m m upon r change in potential energy is potential energy 2 minus potential energy 1 minus 5 by 6 into g m m upon r minus of माइनस जी एम एम अपॉन आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो जी एम एम अपॉन आर माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस वन दैट इज जी एम एम अपॉन सिक्स आर जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वेर इन टू एम अपॉन सिक्स आर दैट इज एम जी आर अपॉन सिक्स माय आंसर इज़ आर अरे के टर्म्स में है अरे यार एम इन टू जी इन टू सिक्स एम इन टू जी अपॉन सिक्स आर कितना है एच कितना है आर आर बाय फाइव तो कितना आएगा फाइव टाइम्स एच द आंसर इज फाइव बाय सिक्स बाई सी एच द आंसर इज फाइव बाय सिक्स बाई सी एच द आंसर इज सी थर्ड ऑप्शन आंसर इज सी थर्ड ऑप्शन तो सेवेंथ क्वेश्चन छोड़ के आज हमने सभी सवाल कवर किए हैं आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है पाँचों लेक्चर्स पाँचों लेक्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन के साथ आज हम यहाँ का काम रोकते हैं थैंक यू सो मच एंड हैव ग्रेट